और चाहत जी आप बताइए, आप तो दो दो बार बीवी बन चुकी, आपने क्या उखाड़ लिया है? उर्फी जावेद और चाहत खन्ना एक बार फिर से आपस में भिड़ गई हैं। इन दिनों चाहत और उर्फी एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। उर्फी और चाहत का एक दूसरे पर वार लगातार जारी है। उर्फी जावेद ने अब एक बार फिर से चाहत खन्ना को जमकर लताड़ लगाई है। चाहत खन्ना ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में उर्फी जावेद को ब्रेनलेस और आंटी कहा था। चाहत के इस बयान पर उर्फी कहाँ चुप रहने वाली थी। उर्फी ने भी बिना देर किए वीडियो बनाकर चाहत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उर्फी जावेद का ये वीडियो। यार ये कितनी आंटी वाली बात यार, मौसी वाली बात है कि मैं बीवी और माँ बनने लायक नहीं हूँ। अरे बहन जो मुझसे तो पूछो यार, मेरे को बनना ही नहीं है यार किसी की बीवी, मुझे बनना ही नहीं है माँ। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि एक औरत भी कंप्लीट होती है जब वो बीवी या माँ बनती है, मैं तो बिलीव नहीं करती। मैं पूरी तरह से कंप्लीट फील करती हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और चाहत जी आप बताइए, आप तो दो दो बार बीवी बन चुकी, आपने क्या उखाड़ लिया है? तो आपको तो पता ही होना चाहिए शादी वादी में कुछ ही नहीं रखा है यार। और जहाँ तक वही बात माँ बनने की, वो तो सिंपल बायोलॉजी है, और बायोलॉजी नहीं है तो बहुत और तरीके हैं, अडॉप्शन है, बहुत चीजें हैं यार। मैं अपना देख लूंगी, आप अपना देखिए। जी आपको लास्ट देखा गया था 1920 में एक साइड रोल करते हुए एक सीरियल में, तो काम की बात तो आप मुझसे करिए मत। और मतलब ये क्या है, कुछ नहीं मिला तो बस काम। अरे मैं करूँ ना करूँ, मेरा घर मैं चला रही हूँ कि तू चला रही है? अपने काम पे ध्यान देना। इसके अलावा चाहत ने उर्फी को सेमी न्यूड भी कहा था। इसके जवाब में उर्फी ने चाहत के बैकलेस ड्रेसेस में कई फोटोज का कोलाज बनाकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। दरअसल चाहत खन्ना का नाम कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। बताया जा रहा है कि चाहत ने सुकेश से जेल में मुलाकात की थी और कई कीमती तोहफे भी लिए थे। ऐसे में उर्फी ने चाहत पर तंज कसा था, और तब से ही चाहत और उर्फी की ये सोशल मीडिया वॉर जारी है, जहां दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वेल, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी स्टोरी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही सारी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।